Hey guys, this is Gaurav and you are watching आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सिनेमा अपडेट। तो सिनेमा की सारी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। धाकड़ गर्ल कंगना की धाकड़ मूवी आ चुकी है थिएटर्स में, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, तो ऐसा ही इस मूवी के साथ हो रहा है। और चलिए अब बताते हैं आपको कि इस फिल्म में क्या है खास। भाई इस फिल्म में खास सिर्फ एक ही चीज है और वो है कंगना की एक्टिंग, बस। अब बताते हैं कि बुरा क्या है इस फिल्म में, यानी कि व्हाट्स द बैड इन दिस मूवी। एंड अरे बैड की बात करें तो बस क्या ही बताऊं आपको, अब है ना, बस यही कहना चाहूंगा कि दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल जैसे उम्दा एक्टर्स भी वेस्ट हो गए हैं यार इस मूवी में। कुल मिलाकर मूवी बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती है और म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है, और हमारी तरफ से इस सो कॉल्ड धाकड़ मूवी को ओनली 2 स्टार्स। धाकड़ के बाद चलिए अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी भूल भुलैया 2 की। जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तब से कार्तिक और अक्षय कुमार को लेकर कंपैरिजन शुरू हो गया था भाई। अब मूवी थिएटर्स में आ चुकी है तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या खास है इस मूवी में। भाई कार्तिक आर्यन ने प्रूव कर दिया है कि वो उम्दा एक्टर हैं, और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुड क्या है इस मूवी में। म्यूजिक से लेकर राजपाल यादव से लेकर संजय मिश्रा आपको इम्प्रेस करते नजर आएंगे। और हाँ, जहाँ की बात करें तब्बू और कियारा की, तो उनका काम भी डिसेंट है। कुल मिलाकर मूवी बढ़िया है और आपको एंटरटेन करेगी, और हमारी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार्स। उनसे बात कर रहा हूँ। आयुष्मान की मूवी अनेक का ट्रेलर हो चुका है रिलीज और बहुत इंप्रेसिव भी लग रहा है। वैसे आयुष्मान की बाकी मूवीज की हिस्ट्री देखी जाए तो सब की सब बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पर और हिट मूवीज थी। उनका काम भी बहुत अलग होता है। अब देखना ये होगा कि उनकी ये मूवी बाकी मूवीज की तरह कुछ खास कर पाती है या नहीं। इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट। तो गाइज ये था आज का सिनेमा अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कमिंग सून। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।